ओके क्लास, फोर पेजेस पे आपने, आई होप फोर पेजेस पर आप सबने डेटा डायमेंशन कर ली होगी। फर्स्ट पेज पर हम आज क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारेंगे अपना। कॉपी डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पेज, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 700 to 601। ओके, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 700 to 601। क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह फॉरवर्ड काउंटिंग होती है मींस हम आगे 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 बढ़ते रहते हैं, इसी तरह बैकवर्ड काउंटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे 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 आते रहते हैं। अब जैसे बैकवर्ड काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 700 से, तो हम 700 से बैक पर जाते जाएंगे, पीछे आते रहेंगे। ओके, अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, हर दफा बताती हूँ काउंटिंग करवाते वक्त, कि जहां से हमारी कॉपी स्टार्ट हो रही है, मीन्स हमारा स्टार्टिंग साइड जो है हमारी कॉपी का, उस पेज पर हमने क्या करना है, जस्ट टू लाइंस लिखनी है। ओके, जस्ट टू लाइंस लिखनी है, और जिस तरफ हमारी कॉपी एंडिंग की तरफ जा रही है उस पेज पर हमने 3 लाइंस लिखनी है। ओके, अब आप लोग तो देख सकते हैं, जब पेज आपका शो हो रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पेज है जिस पर मैंने सिर्फ 2 लाइंस मेंशन की हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में आपने क्वेश्चन उतारा, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 700 to 601, लिव वन लाइन एंड वन बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वन लाइन आपने यहाँ से लीव करनी है और वन बॉक्स आपने क्या करना है, यहाँ से लीव करना है लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर आप क्या उतारेंगी, क्या हेडिंग डालेंगी, HTO की। ओके, क्या हेडिंग डालनी है आपने, HTO की। फिर आप लिखेंगे वहां से हमने, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, 2 लाइंस लिफ्ट करनी है या 2 लाइंस स्किप करनी है। 2 लाइंस स्किप करने के बाद आप क्या लिखेंगे, अगेन हेडिंग डालेंगी HTO की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैकवर्ड काउंटिंग 700 से। 700 से हम स्टार्ट करने के बाद बैक बैक मतलब पीछे 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 आ जाएंगे। 700 से पहले क्या आएगा, 700 से पहले जो आएगा उससे पहले क्या आएगा, नाउ 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691। सेकेंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे 690, 690, 689, 689, 688, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681। ओके क्लास, अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद हमने क्या करना है, 2 लाइंस अपने स्किप करनी है। ठीक है, जो हमारी ऊपर वाली जो लाइन है इसके बाद 2 लाइंस हमने स्किप करनी है। 2 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से 1 बॉक्स स्किप करेंगे और मेंशन करेंगे HTO। फिर 1 बॉक्स स्किप करेंगे HTO, अगेन स्किप 1 बॉक्स, देन मेंशन HTO। हमारा एंड लास्ट लाइन का हुआ था 681 पर, तो यहाँ यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगी, 680 से। ओके, 680, 679, 678,
ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661. Six hundred sixty, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651. अगेन नेक्स्ट पेज में आएंगे क्लास. उस नेक्स्ट पेज पे भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन तो हमने उतारना नहीं है. फिर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पेज आ जाएगा, उस पेज पर हमें अपनी टू लाइंस लिखनी है. टू लाइंस ऊपर से, पेज के ऊपर से हम जो है अपनी लिफ्ट करेंगे, लेफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से वन बॉक्स अपना स्किप करेंगे. ठीक है, फिर हमने अगेन मेंशन करना है वहाँ पर एच टी ओ. क्या मेंशन करना है हमने, एच टी ओ. फिर टू बॉक्स हमने लिफ्ट किए, फिर हमने अगेन मेंशन किया एच टी ओ. लास्ट पेज पे हमने अपनी लास्ट लाइन एंड की थी 651 से, 51 पर. तो हम यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 650 से. ओके, 648, 649, 648, 648, 649, 648, 46, 648, 45, 648, 44, 648, 43, 648, 42, and 641. Next line 640, 638, 639, 638, 38, 638, 37, 638, 37, 638, 37, 638, 38, 638, 39, 638, 38, 638, 39, 638, 38, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638, 39, 638,
ये नेक्स्ट पेज हमने अपना निकाला, उस पे भी हमने बिल्कुल यही करना है, ऊपर से टू लाइंस लिफ्ट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से वन बॉक्स लिफ्ट करना है और फिर मेंशन करेंगे एच टी ओ, फिर अगेन वन बॉक्स लिफ्ट करेंगे एच टी ओ, अगेन वन बॉक्स लिफ्ट करेंगे एच टी ओ। इस पेज से हम स्टार्ट करेंगे 630, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617,
616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, and 601. नाउ वी हैव कम्प्लीट आर बैकवर्ड काउंटिंग. हमने अपनी बैकवर्ड काउंटिंग कम्प्लीट करी क्लास. अब आप लोग क्या करेंगे, अपना बुक पेज नंबर, कीप योर कॉपीज एट साइड, अपनी कॉपीज को एक साइड पे रखिए और ओपन योर बुक पेज नंबर 30, बुक का पेज नंबर 30 ओपन कर लें. क्लास बुक पेज नंबर 30, हम यहाँ पे कन्वर्टिंग वंस कर रहे हैं. बिल्कुल इससे पहले भी हमने कन्वर्टिंग वंस किया है, लेकिन हमने कन्वर्टिंग वंस किस तरह से किया, हमारे पास वंस में ही टू नंबर्स थे. वंस के नंबर्स को ही जब हमने प्लस किया, ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो टेंस में आया और हमने उसको नीचे टेंस में लिख दिया, ठीक है ना. बट अब हमें क्या करना है क्लास, कि हमारे पास जो है वो कन्वर्टिंग वंस है, लेकिन अब वंस के अंदर जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टेंस में भी नंबर पहले से मौजूद है. मतलब हमारे सम में टेंस का नंबर पहले ही मौजूद है, हम जस्ट आंसर हमें टेंस में कर नहीं लिखना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटा कैरी लेते हैं, कैरी लगाते हैं. ओके, जब हमारे पास किसी भी वंस को, टू वंस को ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास टू डिजिट्स में आता है, मतलब टेंस और वंस दोनों में आता है, तो हम क्या करते हैं, वंस के कॉलम में वंस लिखते हैं और टेंस को क्या करते हैं, टेंस के कॉलम में कैरी लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट योर क्वेश्चन बी, 38 + 4. एडिशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस. एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल वंस से स्टार्ट होता है. हमने क्या करा, एडिशन जो हमारा वंस से स्टार्ट हो रहा है उसके देखा, विच इज द बिगेस्ट नंबर इन वंस. कौन सा नंबर है हमारे पास वंस का, बड़ा नंबर कौन सा है वंस में. हमारे पास टू नंबर्स हैं, बिगेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 8. एग्जैक्टली कौन सा है, 8 है. 8 इज आर माइंड, 8 हमारा माइंड हो गया. वी काउंट सेकेंड नंबर कौन सा है हमारे पास, 4. एग्जैक्टली वी काउंट 4 आफ्टर 8. हम मजीद काउंट करेंगे 4 आफ्टर 8, 8 के बाद. जब हमने 4 को काउंट किया आफ्टर 8, तो कितना आया हमारे पास, 9, 10, 11, 12. 12 आया ना क्लास, तो 12 का 2 जो है वो हमारे पास वंस में है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसका 2 हमने कहाँ लिखा, वंस में लिख दिया. सॉरी क्लास, तो हमने यहाँ लिख दिया और टेंस के पास हमने क्या किया, उसका 1 कैरी लगा दिया. अब हमारे पास टेंस में भी क्या हो गए, 2 नंबर हो गए, ठीक है. एक हो गया 3 जो पहले से मौजूद था, और एक क्या हो गया हमारे पास, 1, विच इज द बिगेस्ट नंबर इन टेंस. एग्जैक्टली 3, 3 इज आर माइंड एंड वी काउंट 1 मोर आफ्टर 3. हमें एक और काउंट करना है 3 के बाद, तो क्या हुआ, 3 के बाद जब हमने एक नंबर और काउंट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया. तो हमने यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया, टेंस के कॉलम में 4 लिख दिया. ओके, तो ये इस तरह से होगा. अब अगेन नीचे देखिए, एड दीज, ये भी बिल्कुल एज इट इज हमने यही करना है. वी नो द एडिशन स्टार्ट फ्रॉम वंस. एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस से स्टार्ट होता है. अब डी देखिए जरा इसका, हम बी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ये आपने खुद करने हैं घर से.
तो इसका देखिए जरा डी, वंस में हमारे पास टू नंबर्स हैं, फोर और नाइन, विच इज द बिगेस्ट नंबर इन वंस? नाइन. नाइन इज आर माइंड, वी काउंट फोर आफ्टर नाइन. फोर हमें मजीद काउंट करना है नाइन के बाद. तो जब हमने मजीद फोर लाइन्स काउंट की नाइन के बाद, तो हमारे पास क्या आंसर आया? टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन. थर्टीन, थर्टीन जो का जो थ्री है वो वंस की प्लेस पर है, तो हमने वन की कॉलम में थर्टीन का थ्री यहाँ पर लिख दिया और वन को क्या किया, टेंस पे कैरी लगा दिया. ठीक है, अब हमारे पास टेंस में ऑटोमेटिकली दो नंबर है. पहले से ही हमारे पास टेंस में कितने नंबर्स हैं? दो नंबर्स हैं, एक टू और एक थ्री. विच इज द बिगेस्ट नंबर इन टेंस? थ्री. एग्जैक्टली, थ्री इज आर माइंड एंड वी काउंट टू लाइन्स आफ्टर थ्री. हमें टू लाइन्स और काउंट करनी है थ्री के बाद, तो क्या होगी? फोर और फाइव. एंड एड वन मोर कैरी. अब कैरी का जो एड वन था वो भी हमें इसमें प्लस कर लेना है. तो फाइव हो गया था, फाइव में हमने अगेन जब वन प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका? सिक्स. तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिक्सटी थ्री. आंसर क्या हो गया इसका हमारे पास? सिक्सटी थ्री. क्लास आपने ये पेज अपने घर से कंप्लीट करना है. टेक आउट योर डायरीज.